राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, लोग त्रस्त हैं। जनता के जिस उद्देश्य से झारखंड में हेमंत सरकार आई थी, आज जनता ठगा महसूस कर रही है। उक्त बातें झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने बरकट्ठा के पचफेडी चौक पर पत्रकारों से बातचीत में कही। सर, क्षेत्र में या झारखंड राज्य में बिजली की स्थिति से लोग त्रस्त हैं, लोगों को नियमित बिजली नहीं मिल पा रही है, इस विषय में क्या कहेंगे सर? करना क्या है आप बताइए, पूरे झारखंड की यही स्थिति। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, शायद कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन उल्टा हो गया सर। जितनी पहले बिजली रहती थी 2 साल पहले, आप याद करिए और आप क्या हालत है। उसी प्रकार के विकास का भी काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था। झारखंड में सबसे अधिक गरीबी है, बेरोजगारी है, भाई सबसे काम उसी क्षेत्र में हुआ। आज मनरेगा में जो लोगों को काम मिलता वो भी नहीं मिला। बिल्कुल साफ दिखता है कि राज्य की हालत बहुत ही खराब है, विकास के काम बिल्कुल ठप पड़ा है। ना सड़कें बन रही है, ना पुलिया बन रहा है। या तो विधायक जी बैठे हुए हैं, सरकार कहती है कि आप पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक पुल बने, उसकी भी सीमा बिल्कुल तय है 3 करोड़ से, मतलब कम। आप सोच सकते हो, सड़क के बारे में भी सरकार कहती है कि भैया 6 करोड़ रुपया की चाहे नए सड़क बनाइए या पुराने सड़क मरम्मत करिए। तो ये 2 साल की यही स्थिति, वो भी अभी तक काम प्रारंभ नहीं हुआ। तो आप राज्य में जो विकास का काम पूरी तरह से ठप है, लॉ एंड ऑर्डर इतनी बद से बदतर हो गई है, चोरी डकैती हत्या अपहरण बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, आए दिन आप अखबारों में देख लीजिए। तो राज्य पूरी तरह से चरमरा गया। सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं सिर्फ लूटने में लगे हुए, सब कुछ लूट रहे, कोयला बालू पत्थर लोहा, यहाँ तक कि जमीन भी लोगों के लूट रहे। यानी आम जनता हेमंत सोरेन की सरकार में बिल्कुल त्रस्त है, पूरी तरह से दुखी है। सर मैं लोगों से ये कहता हूँ कि या तो हेमंत सोरेन अपराधियों या गुंडों से डरे हुए हैं या फिर घिरे हुए, ये हालत है आज इस प्रदेश की। सर, 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, चुनाव हो रहा है, और झारखंड में स्कूल बंद है सर, जिसे बच्चे का भविष्य बिगड़ता नजर आ रहा है। इस बिंदु पर में तो सब कुछ पूरे झारखंड के ही भविष्य यहाँ दांव पर। पंचायत चुनाव सरकार ने नहीं कराए, जबकि पंचायत चुनाव तो कोई दलगत होता ही नहीं है, तो कोई दिक्कतें नहीं थी। दलगत होता है तब बड़े बड़े रैली या प्रदर्शन होता है, जब दलगत चुनाव नहीं होता है तो प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, घूमते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं। और पंचायत चुनाव नहीं हुआ उस कारण से, अब 2 दिन पहले आपने देखा होगा अखबार में छपा है, तो मनरेगा में काम नहीं हुआ। जितनी मजदूरों ने काम मांगा वो काम भी सरकार देने में विफल रही, मात्र 2-4% लोगों को ही काम मिल पाया। इस कारण से झारखंड में सबसे अधिक बेरोजगारों की संख्या है। ये तो राज्य की हालत है, और इसलिए पंचायत की वो चुनाव नहीं कराए ताकि उनको ब्लॉक में जो पदाधिकारी है या सरकारी कर्मचारी, उनसे उनको कमीशन लेने में सुविधा है, इसलिए चुनाव नहीं करा रही है। बरकट्ठा में जो जीटी रोड का कार्य हो रहा है सर, उस पर बरकट्ठा बाजार में केसरी हिंद जमीन पर लोगों का मकान तोड़ दिया गया, अभी तक मुआवजा की राशि अभी तक नहीं मिल पाया उन लोगों को, जबकि आश्वासन राज्य सरकार का काम है मुआवजा देना चाहिए। राज्य सरकार ने तो क्या कहते हैं NH से तो पूरी पैसा वसूल ली है, और सरकार के खजाना में पैसा है, क्योंकि जमीन एक्वायर करने का काम राज्य सरकार का होता है, जमीन की कीमत तय करने का काम राज्य सरकार की होती है।
और राज्य सरकार ने चाहे जंगल की जमीन हो, चाहे घर मजरुआ जमीन हो, चाहे किसी भी प्रकार की जमीन हो, सब जमीन का वो पैसा लेती है। तो राज्य सरकार का काम था, जिसके खाते में जो जमीन था, जहां लोग घर द्वार बनाए हुआ था, उनको फिर मार्केट रेट के से 4 गुना दाम पेमेंट करनी चाहिए। आप विपक्ष, सरकार के विपक्ष में आप हैं, इस संबंध में तो आपका आवाज़ उठाना लाजमी होना चाहिए सर। आप तो आवाज़ उठाते ही हैं, लेकिन सरकार सुनने को कहाँ तैयार है, चर्चा ही नहीं कराती है जन मुद्दों को लेकर के। आपने देखा होगा कि हम लोग जन मुद्दों को लेकर के विधायक कार्य स्थगन प्रस्ताव लाते हैं, ये होता नहीं है, तो हम लोग हल्ला ही कर सकते हैं और कार्य क्या सकते हैं। धन्यवाद। उन्होंने कहा कि झारखंड में बिजली की स्थिति दयनीय है, उपभोक्ताओं से पैसा वसूली हो रहा है पर लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, राज्य में अपराधियों का बोलबाला है, हत्या बलात्कार डकैत आदि घटनाओं को अपराधी खुलेआम अंजाम दे रहे हैं, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, झारखंड की बेटियों को दिन दहाड़े अपहरण कर बलात्कार कर रहे हैं, राज्य में बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, हेमंत सरकार ने चुनाव में युवाओं को नौकरी बेरोजगारी भत्ता आदि देने का वादा किया था लेकिन आज तक युवाओं को कुछ नहीं मिला। हेमंत सरकार जनता को बेवकूफ बनाकर अपना तिजोरी भरने में लगी हुई है।